आपकी जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, ये सीएलसी से बेहतर और कोई नहीं है जी। मैंने इन्हीं पे भरोसा किया और आज मैं इस मुकाम पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरान। फलती फूलती सीएलसी किस प्रकार आगे की ओर मुकाम चढ़ती, सीएलसी वर्ष दर वर्ष किस प्रकार नए आयाम गढ़ती, सीएलसी के ही स्टूडेंट रहे हैं रणदीप जी सोमरा। आप तिघाना के पास एक गांव है मोई से बिलोंग करते हैं। ये जर्नी आज किस मुकाम तक पहुंचती है, इन्हीं के ही शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। मैं रणदीप सोमरा गांव मोई सिंघाना से बिलोंग करता हूं। मैंने उस समय सीएलसी नहीं बनी थी, तो पेपर में जब एक दो बच्चों का ऐड आया था कि उनका सिलेक्शन हुआ, तो मैंने भी ये सोचा कि मुझे भी सीकर जाना है और मुझे यहाँ से ही करना। जब सीकर में आए तो सर हमसे काफ़ी मेहनत कराते थे। इनके जो कॉन्सेप्ट थे ना बहुत ही क्लियर थे। फिजिक्स केमिस्ट्री उस समय दोनों ही पढ़ाते थे। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट खुद ही पढ़ाते थे। और इतनी मेहनत करते थे कि हमें भी लगा कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत का इन्होंने एक ही कहा कि भाई आप मेहनत करोगे ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसका कोई। और उसके बाद 1998 में मैंने एडमिशन लिया था सीकर में और फिर 99 में सिलेक्शन हुआ। रास पहले उस समय तो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज था गवर्नमेंट, अब आरटीयू हो गया है। अच्छा, वहाँ से बीटेक किया 2003 में। और उस दौरान एक बार बॉस हमसे मिलने भी आए थे 2002 के दिसंबर में, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, ये वो संबंध है जो वर्ष दो वर्ष अध्ययनरत जब विद्यार्थी रहता है उसी दौरान नहीं बनते हैं, ये ताउम्र चलने वाले संबंध हैं। एक लाइव के माध्यम से इन्होंने देखा कि बॉस दिल्ली आए हुए हैं और आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज बॉस से मिलने चले आए हैं। जी सर। मैं अभी रिलायंस इंफ्रा में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। शुरू में मैं जीटी पोस्ट से यहाँ लगा था, जो दिल्ली में पावर सप्लाई देती है, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कंपनी है। और सभी बच्चों से या उनके पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जी देखिए सीएलसी का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे से मैं आज इस मुकाम पे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सफलता का श्रेय आज जैसा आपने स्टार्टिंग में भी कहा था एक बैनर को देना चाहते हैं। और एक्चुअल में वो बैनर जब 27 साल पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, उसके थर्ड सेशन के ही आप स्टूडेंट रहे हैं। और उस समय केवल एक बीजारोपण किया गया था, आज विशालकाय वटवृक्ष बन चुका है। हिंदुस्तान के हजारों घरों के मुंडेरों को ये रोशन कर रहा है। ना जाने कितने ही सपनों को साकार करने वाली सीएलसी आज कितने ही घरों के मुंडेरों पर जगमगा रही है। जी सर, आने वाली फ्यूचर के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? आपकी जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, ये सीएलसी से बेहतर और कोई नहीं है जी। मैंने इन्हीं पे भरोसा किया और आज मैं इस मुकाम पे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।